अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, आ गई राबिया काणी की वीडियो। जिसको व्यूज नहीं आ रहे थे, चाहिए था मौका कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलूँ, कुछ ना कुछ ऐसे करूँ, ताकि फिर मुझे कंट्रोवर्सी में लोग लेकर आए, मैं कंट्रोवर्सी में आऊँ और फिर मुझे आए व्यूज, और ये इस चीज में कामयाब भी हो गई। तो पिटारा ने एक रूल बनाई थी कि कोई हमारा वीडियो नहीं बनाएगा, हम किसी को वीडियो में नहीं लेंगे, कोई हमें वीडियो में नहीं लेगा। और अब जब बाबर गया है, बाबर जाके जो वीडियो में इसके बच्चों को लिया है, वो बात को लेके राबिया काणी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। जबकि पिटारा ने आके सारे को डिसऑन कर दी है, और उसने आके बोली भी कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे टोका जाता है, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मीन्स के उसने सारे जो रूल कायदे बनाई थी वो सब खत्म कर दिए। वो वीडियो में उसका बोलने का यही मकसद था। उसके बाद में भी राबिया काणी को इतनी तकलीफ हुई कि हमें रोका जाता है, हमें नहीं लिया जाता है, हमें नहीं लेने दिया जाता है वीडियो में, और बाबर को नहीं रोका गया। इस चीज की तकलीफ से इसने अपना मुंह खोली। जबकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताई थी, जब पिटारा ने वीडियो बनाई थी कि जो घर हमने इससे लिया था राबिया काणी से और इसके शौहर से, तो वो घर मेरे नाम पे हो चुका है, तब की मेरी वीडियो जाके देख लो। मैंने क्या बोली थी कि ये औरत और मियाँ बीवी मतलब दोनों ही उसका घर उसके नाम पे नहीं कर रहे थे, इसके लिए वो राबिया काणी को इतना चाट रही थी राबिया बाजी बोल के। और अब देख लेना आप लोग कि ये बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगी राबिया को। इसका मकसद था घर अपने नाम पे करवाना, और वो उसने करवा लिए, उसका काम निकल गया है। और उसका हमेशा से यही काम है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब ये काम हो जाने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा मेरी वो बात सच हो गई है। एक बार भी उसने ना राबिया का नाम लिए, ना गोचू ने नाम लिया है अपनी भाई भाभी का, और ना ही लोग उसके घर पे आए हैं, ना ही पिटारा इनके घर पे गई है। उसका काम निकल गया, उसने इसको ठुड्डे लगा दी। इस चीज को लेके इसके अंदर जलन है, लेकिन ये निकाल तो नहीं सकती, पता है ना ऑडियंस पिटारा की है। फिर इसको ठुड्डे लगाएंगी ऑडियंस, इसको इसकी औकात याद दिला देंगी, इसको अनसब्सक्राइब कर देंगी। इसके लिए फिर इसने अपनी जलन इस तरह से निकाली कि बाबर ने क्यों पिटारा के बच्चों को अपने वीडियो में लिया, बाबर ने क्यों ऐसे किया, उन लोगों ने तो रूल कायदे बनाए हुए थे। और फिर इस चीज़ का जो इसने वीडियो डाली है, तो जो पिटारा की अम्मा बनी हुई है आप लोगों को पता ही है, जिसने अभी उसको सेलिब्रेट करवाई थी, और फिर पिटारा ने उसको 2-3 दिन घुमाई फिराई, और रह रह के उस अम्मा कुछ ना कुछ कमेंट करके ऐसा कुछ कर देती है कि कंट्रोवर्सी हो जाए। तो उसकी अम्मा ने जाके काणी को वीडियो में वीडियो के नीचे कमेंट कर दी कि तुम लोग वही लोग हो जो पिटारा की सौतन को लाने के लिए नाचते हुए गए थे, बारात में गए थे। ये कमेंट वो जाके करके आ गई है, जिसके वजह से राबिया काणी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, लेकिन जता तो सकती नहीं है क्योंकि पता है ना ऑडियंस पिटारा की है। तो ये आ गई जवाब देने, और ये जवाब में बोल रही है कि मुझे क्यों जलन हसद होगी, क्योंकि इसने जब बाबर के ऊपर तनकीद की तो बाबर ने अपनी वीडियो में बोला कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे से जलते हैं, हसद करते हैं। तो उसके जवाब में ये बोल रही है कि मैं क्यों जलन हसद करूंगी, मैं नहीं कर रही हूँ जलन हसद, आप तो मेरे भाई की तरह हो। अरे रहने दे राबिया काणी, जो दिल में है वो तो तू बोल नहीं सकती है, वरना तेरी औकात दिख जाएंगी, है ना, ऑडियंस तुझे तेरी औकात दिखा देंगी। अगर तेरे दिल में कुछ जलन हसद नहीं थी तो तुझे पहले ही तनकीद नहीं करना चाहिए था कि बाबर उसके बच्चों को क्यों वीडियो में ले रहा है। और फिर बाद में ये भी बोल रही है कि आपने तो पिटारा के नाम का फेसबुक पे पेज खोला हुआ है, तो आपने पिटारा के नाम से कितने पैसे कमाए हैं वो भी तो बताओ ना, भाई भी बोल रही है। और फिर उसके ऊपर सारे मतलब जो भी उसने किया है वो सारी चीजों को एक्सपोज भी कर रही है, और फिर बोल रही है हमसे कोई जलन हसद नहीं है, हमें कोई जलन हसद नहीं है पिटारा से। और फिर ये बोलना कि हमारा दिल टूट जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है, मिट्टी की तरह हमें झाड़ के फेंक दिया जाता है। मतलब कि याद है आप लोगों को जैसे कि मैंने बताई कि उसका काम निकल गया तो उसने इसको मट्टी की तरह झाड़ के फेंकी दी ना, तो इस बात की इसको बड़ी तकलीफ हुई। जाहिर सी बात है, क्या करती तुम लोगों को, क्या गले में घंटी की तरह क्या बांध के घूमती। मतलब ये औरत इतनी, कोई मैं बोलती हूँ ना, इनके खानदान में कोई एक बंदा हो जो अच्छा हो, हर कोई लालची और हर कोई मुंह उठा के आ जाता है बकवास करने के लिए। और अगर ये बात बोली गई है कि ये पिटारा से पिटारा के लिए रोज थंबनेल लगाती थी, आज हमारी पिटारा थी, ये बात हुई है, वो बात हुई है, तो इतने आगे क्या उसका रिप्लाई दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई बात पूरी करती ना, फिर पिटारा आती ना जवाब देने, जैसे कि वो एक एक कमेंट का जवाब देने आ जाती है, नहीं आती है तो सिर्फ वो अपने सपोर्टरों के लिए नहीं आती है,
अपनी बनाई हुई बहन के लिए नहीं आती है, अपने खानदान वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आती है, लेकिन गंदा करने के लिए तो वो फौरन आ जाती है। तो सिर्फ ये क्यों बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तू करती है हमेशा, तुम लोगों के थंबनेल टाइटल यही रहते हैं, पिटारा ने क्या बोली, पिटारा की कॉल आई थी, पिटारा ने ये बोली, पिटारा ने वो बोली, करते हो तुम लोग। तो ये बात में तो पूरी पूरी सच्चाई है, ये बात की क्यों मिर्ची लग गई तुझे कहानी, इतना बड़ा मुंह लेके इसका ठुड्डी तलक के भान के इसको लग रहा है कि मेरा मुंह छोटा दिखेगा तो छोटा नहीं दिखेगा राबिया कहानी, तेरा जितना बड़ा मुंह है ना वो बाहर निकल के आ ही जा रहा है, स्कार्फ कैसे बांधी है देखो ना, पूरा मुंह पे होठ टलक के स्कार्फ आ रहा है, इसको लग रहा है इस तरह से ना मेरा मुंह छोटा दिखेगा, लानती औरत। अब तुम लोगों को शर्म नहीं आई, तुम लोगों ने तो बड़ा सलमा के ऊपर तनकीद किए थे, बेपर्दा हो गई, फेस रिवील कर दी, पैसे की भूखी, लालची है, ये है वो है, अब तू अपना थोबड़ा लेके बैठती है, तो अभी तू बेपर्दा नहीं हुई, तू लालची नहीं है पैसे की, तेरा हस्बैंड पैसे का लालची नहीं है, तुम लोग चैनल के भूखे नहीं है, दूसरों के ऊपर जो जो तुम लोगों ने बातें किए थे ना आज तुम लोगों के ऊपर वो सारी बातें लागू होती है, बेशरम कहीं की। फिर बाद में इसने जो पिटारा की माँ नंबर टू है जिसने उसको बताइए ना आप लोगों को, तो उसको ये जवाब दे रही है कि आप लोग बार बार ये बोलते हो कि हमने कौतर की शादी कराई, हम उसकी शादी में गए हुए थे, तो आपको अगर आप माँ बनी हुई है उसकी तो आपकी बेटी ने आपको बताया होगा कि हमें फोर्स किया गया था, हमें जबरदस्ती भेजा गया था शादी में, तब जाके हम शादी में गए थे, और वो शादी के बाद में पहली बार पिटारा हमारे घर पे आई थी, हम पिटारा के मुखलिस है, आप लोगों को क्या पिटारा ने नहीं बताई कि हम उसके हमदर्द है, हमें क्यों हेटरों में जोड़ा जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो एक बात बताना झाड़ू वाली चुड़ैल के, जाहिर सी बात है अगर वो उसकी माँ है और वो अगर ऐसी बात कर रही है तो पिटारा ने बताई होगी ना, तुम लोगों ने पिटारा का ये जो फेक कंटेंट था इसके अंदर उसको सपोर्ट किए थे, तो उसने फिर तुम लोगों को गंदा करके सिंपैथी ली थी जो कि आज तक के वो वही कर रही है, और तुम लोगों ने उसके झूठ में सपोर्ट किए थे, तो इसके लिए आज तुम लोग इतने गंदे हो रहे हो, और तुम लोगों को आए दिन गालियां पड़ती है, आए दिन तुम लोगों को इसी तरह से तनकीद की जाती है, जाहिर सी बात है कि बीज बोया बबूल के तो फल कहाँ से पाओगे, जब तुम्हें पता था कि पिटारा खुद शादी करवा रही है, पिटारा खुद तुम लोगों को भेज रही है और तुम लोगों को फोर्सफुली उसने भेजी थी वो शादी में, तो फिर ये बात तुम लोगों ने शुरू में ही क्यों नहीं क्लियर कर दी, जब पिटारा तुम लोगों को धो रही थी, तुम लोगों को गंदा कर रही थी कि ये मेरे खानदान वालों ने जाके शादी करवाए, नाचे गाए, ये किए वो किए, वही टाइम पे तुम लोग कर सकते थे ना, तुम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टाइम पे तुम लोगों ने अपने मुंह बंद रखे, और जब देखे कि पिटारा का चैनल अच्छा खासा ग्रो हो गया है, वो फेमस हो गई है, बदनामे जमाना हो गई है, तब आके अब तुम लोग मुंह खोल के बोल रहे हो कि उसने हमें फोर्स पिल्लू भेजी थी, तुम लोग उसको आके अब एक्सपोज कर रहे हो, तो अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और तुम लोगों ने जो रमजा इसके कौसर के साथ में किए हो तो उसका बदला अल्लाह जरूर लेगा, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने गलत को सपोर्ट करके पिटारा को इतना ऊपर लेके गए हो, तो ऊपर वाला नहीं देख रहा है, इसकी सजा तुम लोगों को नहीं मिलेंगी, जरूर मिलेंगी इसकी सजा, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कौसर को गंदा करने की, तूने हर जगह पे जहाँ जहाँ वो कौसर के नाम पे सिंपत्ति ले रही थी ना वहां वहां तूने कौसर को गंदा की, तो अब तेरी बारी आ गई है, समझ आया, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, और अगर उसकी दूसरी माँ ने कोई कमेंट की है तो ऐसे ही नहीं की होगी, उसने पिटारा की सुन के ही कमेंट की होगी, पिटारा ने उसको बताई है जो बात, वही बात का वो कमेंट कर रही है, समझ आई कहानी, ये क्या बोल रही है पिटारा को कि तुम आके इस बात को क्लियर करो, ठीक है, तुम आके इस बात को क्लियर करो कि तुमने हमें फोर्सफुली शादी में भेजा था, नाम किसका डाल रही है अपनी बेटी का कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी ने बोली कि यहाँ पे पिटारा आंटी को आके ये बात को क्लियर करना चाहिए, क्यों भाई वो क्यों क्लियर करेंगी, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगी क्या, वैसे देखो अल्लाह की करनी के जो जो लोगों ने गलत को सपोर्ट करते हुए इस गंद को आगे बढ़ाने में उसकी मदद किए थे वो सब जने किस तरह से जलीलो ख्वार हो रहे, और कहानी तेरा भी नंबर आ गया है, अब तू भी बहुत अच्छे से जलीलो ख्वार होएंगी, और ये गंदे कंटेंट में जो तूने पैसे कमाई है ना वो सारे तेरे को है ना सुई की तरह चुभेंगे। और पिटारा की जो अम्मा बनी हुई है उसने एक बात और इसको बोल दी कि पहले तो तुम लोग इस्लामाबाद को जानते नहीं थे, अब तुम लोगों ने इस्लामाबाद पिटारा की वजह से देखना सीख गए, तो तुम लोग इस्लामाबाद देख रहे हैं, तो इसने फिर बोली कि जो इसके अब्बू है वो रेलवे में है, लोग हर जगह पे फ्री सफर कर सकते हैं, तो मैंने ये देखी हूँ तो मैंने वो देखी हूँ,
और आप जो बरगला रही हो पिटारा को और हमें गिराने की कोशिश कर रही हो, तो जब मेरे दो देवर पिटारा के खिलाफ खड़े थे तो मैं थी जो सबसे पहले आवाज उठाई थी। अच्छा यहाँ पे ये आवाज उठाने वाली बातें तो रहने देते हैं, क्योंकि काणी सिर्फ बहुत शाणी है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आवाज उठाई थी, अपने फायदे के लिए ड्रामे करती है। जो बोला जा रहा है ना कि ये शादी में नहीं गई, वो शादी में नहीं गई, तो ये शादियों में भी गई है, बस वीडियो नहीं डाले लोगों ने और इस तरह से जताए कि हम नहीं गए थे। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात कि यही लोग थे जो गरीब बनते थे, दिखाते थे कि घर में खाने को नहीं है, और इसके उसके नाम पे भीख मांगती थी कि इसके नलके लगवाने हैं, इसकी छत बनवानी है, तो इसको राशन भरवाना है, और ये इस तरह से लोगों से फंड ले लेके इन लोग इतने ज्यादा अब पैसे वाले हो गए हैं। तो जो ये अब सच्चाई बता रही है कि लोग इतने पैसे वाले हैं, इसने बोली भी कि हमारा चैनल है ना, हमारी जिंदगी चैनल से नहीं चल रही है, चैनल तो अब आया है, क्या हम पहले नहीं जी रहे थे? तो हम लोग यही बोलते थे ना कि इन लोग कोई गरीब नहीं है, देख लो अब इन लोगों ने अच्छे से कमा लिए, लोगों को लूट लिए, तो अब आके सच्चाई बता रहे हैं कि इन लोग इतने पैसे वाले हैं कि ये लोगों के बाप और भाई है ना बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो कितना बेवकूफ बनाया इन लोगों ने ऑडियंस को। राबिया काणी तू बोल रही है, उसकी सगी बहन इंसाफ बीबी ने जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया था तो मेरा ब्लॉग आया था। अच्छा इंसाफ बीबी, इंसाफ बीबी तो अब तुम्हारी पिटारा जेड बनी हुई है, समझ आ रहा है ना कैसे? अच्छा एक बात बताना कि ये जो तूने इल्जाम लगाई थी अपने जो काणा तेरा जो खसम है उसके साथ में, पिटारा के ऊपर इल्जाम नहीं था, वो सच्चाई थी, और तुझे अच्छे से पता है कि वो इस तरह की औरत है, हर एक मर्द के साथ में रिलेशन बनाना उसका शौक है, उसकी मजबूरी है, उसकी बीमारी है, और तू आके सलमा को इंसाफ बीवी बोल रही है। पता है तुम लोग ये जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं ना, कभी तुम लोग मुंह बोली माँ से जलील हो रहे हो तो कभी सपोर्टरों से हो रहे थे, खैर सपोर्टरों को भी सलमा की ही बद्दुआ लगी है और तेरे को भी बद्दुआ लगी है, और तू और आगे बहुत जलील ख्वार भी होगी। आज भी तू बेशर्म की तरह बोल रही है ना इंसाफ बीबी, और तू बोल रही है सबसे पहला मेला ब्लॉग आया था, तो तोतली सबसे पहला तेरा ब्लॉग नहीं आया था, ठीक है? अच्छा तू ये क्या जताना चाहती है कि तुझे पिटारा ने अकेले में बता दी थी कि उसने मुंह काला करके आ गई है, जो सबसे पहला तेरा ब्लॉग आ गया था। अगर आप लोग जाके वो टाइम की वीडियोस चेक करोगे ना, तो सबसे पहला ब्लॉग आया था मेरे ख्याल से झाड़ू वाली चुड़ैल का, क्योंकि लोग उससे जाके सवाल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उसके घर में इन दोनों बहनों का भाई है, तो ब्लॉग उसका आया था। तू क्या लगती है जो सबसे पहला तेरा ब्लॉग आएगा? हाँ लोग उसको कमेंट कर रहे थे जा जाके, इसके लिए उसको ब्लॉग बनाना मजबूरी बन गई थी, और उसने ये जवाब दी थी कि मुझे नहीं पता, उसने ये बोली थी, उसने ये नहीं बोली थी कि नहीं नहीं सलमा झूठी है पिटारा सच्ची है, उसने ये नहीं बोली थी, उसने बोली थी मुझे नहीं पता, जब ये दोनों बहनें मेरा सपोर्ट नहीं किए थे तो मैं किसी एक का क्यों करूं? फिर ऑडियंस ने उसको कुत्ते वाली की थी ना, तो फिर वो पिटारा की सपोर्ट में बातें करने लग गई थी, तो झूठ तो ना तू जरा कम बोल काणी। ब्लॉग आने से क्या मतलब है? कौन सा तुम लोगों ने जेड का टैग हटा दिए? ब्लॉग डाल के तो तुम लोगों का फायदा कर रहे थे, खूब डॉलर छाप रहे थे तुम लोग, वो सब कंट्रोवर्सी में वीडियो पे वीडियो डाल के। तुम लोगों ने पर्सनली तो कोई हेल्प नहीं की थी ना उसकी, या तुम लोगों ने सलमा की समझाया हो, या उससे माफिया मांगी हो, या मिन्नते तरले किए हो तुम लोगों ने, ऐसा तो कुछ नहीं किए थे। ब्लॉग तो पूरी जितने भी लोग थे ना कंट्रोवर्सी में सभी डाल रहे थे, तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ सब जने अपने अपने चैनल चला रहे थे ना, तो उसी तरह से तू भी इस जो कंट्रोवर्सी जो गंदी कंट्रोवर्सी आई थी ना उसके अंदर तू भी अपनी रोटियां सेक रही थी, ना कि तू सपोर्ट कर रही थी। वैसे ये जो बार बार बोल रही थी कि जो पिटारा के बच्चों पे बात हुई या जो भी पिटारा पे बात हुई तो हम हर बार खड़े हुए, लोगों को ये नजर नहीं आता, तो तुम लोग क्यों खड़े हुए? एक बात बता राबिया काणी कि अगर तेरे बच्चों के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो जवाब कौन देगा? पिता मतलब तू खुद देंगी ना जवाब, या कोई तेरे ऊपर कुछ बोलेगा, या तेरे जो दज्जाल जैसा आदमी है काणा उसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो जवाब कौन देगा? तू देंगी, तेरा हस्बैंड देगा ना, कि तू लंगड़ी लूली गूंगी पागल हो जाएंगी? हाँ पिटारा की जो इतनी लंबी जबान है तो
जवाब वो दे सकती थी और वो दे भी रही थी, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने चैनल चला रहे थे। तो ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने जवाब दिए, हमने जवाब दिए। जवाब दे के तुम लोगों ने किसका मुंह बंद कर लिए, उसके लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम कर लिए, कौन सा उसको बेनिफिट मिल गया तुम लोगों की वीडियो आने से। सिर्फ और सिर्फ फायदा तो तुम लोगों का हुआ है, तुम्हारे चैनल चले, तुम लोगों ने डॉलर कमाए। और अभी जब तेरी जो पिटारा है, जब से घर उसके नाम पे हुआ है, तब से उन लोग तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेते, इस चीज का जवाब जरूर देना। बाकी देखो ये व्यूज की कितनी बड़ी भूखी है ना, इसी वीडियो से साबित हो गया। प्रूफ मैं अपने क्लिप वाले चैनल पे लगाऊंगी, वहां पे आप लोग सुन लेना। ये बाबर को बोल रही है तू कैमरा लेके पीछे पीछे घूम रहा है, व्यूज के लिए तू वहां पे गया हुआ है, और तुम लोग वहां पे शिफ्ट भी हो रहे हो व्यूज के लिए हो रहे हो। तुम लोगों ने पिटारा को ब्लैकमेल किया, हमारे पास में सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। इससे ही पता चल रहा है कि तू कितनी जल रही है, तू कितना ज्यादा, तेरे अंदर जो एक हसद और जलन है, और जो तेरे अंदर मैल एक पड़ा हुआ था ना, अब तू डायरेक्ट पिटारा के ऊपर तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती है। मेन गुस्सा है तुझे पिटारा के ऊपर, लेकिन तू किसके ऊपर निकाल रही है, बाबर के ऊपर, है ना। तो यहीं से पता चल रहा है कि तू भी उसकी कितनी भूखी है। एक काम करना, तू भी जाके उसके घर में मासी का काम कर ले और इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जा, फिर तुझे भी खूब यूज आएंगे। इतनी कोई ये जलन खोर औरत है, बाप रे बाप। अच्छा ये बोल रही है कि हमारे पास में प्रूफ है कि बाबर ये लोग उसको ब्लैकमेल करते थे, तो लगाओ ना प्रूफ। मतलब के इन लोग ने सारा कुछ सोच समझ के रखे है एक दूसरे। अच्छा इसने ये भी बोली कि बाबर तुम मेरे भाई के जैसे हो, और फिर बाद में बोल रही है कि मेरे पास में सारे प्रूफ है, तेरे भाई के जैसा है, और तूने प्रूफ जमा करके रखी है, प्रूफ संभाल के रखी है। यहीं से देख लो, पता चलता है कि ये लोग आपस में कितने ज्यादा अच्छे हैं और कितने मुखलिस हैं और कितना भाई समझते हैं। अभी कहानी जो तूने ये बोली है ना कि मैंने चैरिटी का काम की हूँ, कोई भी आके मुझे बोल दे कि हमने इसको अमाउंट भेजी और हमारा काम नहीं हुआ, तो ये तू जो कर रही थी ना, उससे ये जो तेरे चेहरे पे घमंड नजर आ रहा है ना, तेरी आवाज में घमंड नजर आ रहा है, ये वो चैरिटी के वजह से ही आ रहा है। वो लोग भेजते थे किसी और को 10,000, तू वहां पहुंचाती थी 1,000, और 9,000 तू अपनी जेब में भरती थी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लोग तो लाख लाख रुपए भेजे, लाखों रुपए लोगों ने भेजे, और इसने क्या किए, सारे पैसे उनके हथिया लिए, बस दिखावे के लिए ना थोड़ा सी जाके उनको दिए। इस तरह से ये औरत ने फ्रॉड करके पैसे खाई है, और अब इतनी बड़ी बात करी। अगर तेरे जी में इतना ही दम था तो अपने पैसे से करती ना उनकी मदद। एहसान की है क्या तूने, लोगों से, लोगों को, गरीबों को दिखा दिखा के तूने लोगों से पैसे ऐंठी, और अब आके इतना तू सीना चौड़ा करके बोल रही है कि वो आके मुझे बोल दे। ऐसे ना मेरे पास में बहुत सारे लोग आए जो बोले हैं, जो बताए हमें कि हमने इतने इतने पैसे भेजे, ये औरत ने उतने लगाई नहीं है, इसके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो ये बात तो तू बोल मत कि वो आके बोल दे। वो कहाँ पे बोलेंगे आके, उनके क्या कोई चैनल है, उनके कोई पैनल है, मक्कार कहीं की। बाकी घर बेशरम है, बोल रही है पिटारा हमें छोड़ भी देंगी ना तो भी हम उसका साथ देंगे, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चैनल जो चलाना है। वरना तो ये पिटारा को तुम लोग पूछते भी नहीं थे, जब इसका चैनल नहीं चल रहा था ना, तब इसको तुम लोग दरवाजे पे भी नहीं खड़े करते थे, और अब बेशरम की तरह बोल रही है वो नहीं भी पूछेंगी तो हम साथ देंगे। दूर फिटे मुंह तेरे, इसको घमंड किस चीज के ऊपर है कि मेरी बहुत इज्जत है, हम लोग खानदानी है, हम लोग आम लोग नहीं। आम लोग का क्या मतलब है, आम लोग का क्या मतलब है, ये गंदा खानदान तुम लोग का, फ्रॉड करके इसके उससे अफेयर रखते हो, और फिर ये सब फ्रॉड करते हो, झूठ बोलते हो, लोगों को ठगते हो, ये तुम लोगों का खानदान है। हम लोग आम लोग नहीं है, बोल रही है आम कोई भी नहीं रहता है, हर किसी का खानदान रहता ही है, बिना खानदान के ना दुनिया में कोई भी लोग नहीं है। आई बड़ी आम लोग, और देखो जरा इसको घमंड कितना है कि हम लोग खानदानी है। खानदानी थी तो फिर लोगों से पैसे क्यों ऐंठी, भिखारन कहीं की। बाबर को टोंट मार रही है कि तुम्हारे खानदान का वाइटी वालों को पता है। अच्छा देखो ये है ना, बीच में है ना पतली गली पकड़ के निकल गई थी, इसके लिए ना इन लोगों के ऊपर बात नहीं हो रही थी, और हमें कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन अभी इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, तो मैं इसको याद दिला दूं कि तेरी बेटी का किससे अफेयर चालू है, और मैं इसको तंस में नहीं बोल रही, सच में इसकी बेटी का अफेयर चालू था, फिर इन लोगों ने शादी की बात भी की,
फिर पता नहीं इनके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और मना कर दिया गया। तो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, ये पहले अपनी बेटी को वीडियो में लेती थी, बाद में इसने वीडियो में लेना क्यों बंद कर दी थी? उसका रीजन ही यही था कि वीडियो में ले लेके इसके बाप को लगा कि इसने बदनामे जमाना कर दिए लड़की को। तब जाके उसके अंदर घमंड आ गया है कि मैं तो बहुत मशहूर कोई बहुत बड़ी स्टार हूँ। तो उसने फिर अफेयर वाला काम की थी, जिसकी वजह से फिर बाद में उसको वीडियो में लेने से मना कर दिया गया था। तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी खानदानी है ना, वो हमें पता है, कहानी ही रहने दे। तेरी बेटी का पहले बता दुनिया वालों को, बाद में दूसरे का बताना, वो लोग तो है ही गिरे हुए। तू कौन सी अच्छी है? बाकी ये जो बार बार बोल रही है कि तुम लोग आके हमें हसद वाला जलन वाला समझते हो, तो बिल्कुल समझेंगे ही ना। कोई ने तुमको सामने से आके कमेंट या मैसेज नहीं किया, वीडियो की शुरुआत ही तूने की भिखारन। तुझे कंटेंट चाहिए था, इसके लिए तूने वीडियो की शुरुआत की, तूने पहले वीडियो बनाई, उसके बाद में कमेंट आया, और उसके बाद तो फिर तू बैठी गई खोल के कि चलो भाई इसके ये चीज के ऊपर व्यूज आ रहे हैं तो यही गंद मचाते रहो। अरे शर्म कर। कुछ बातों का और भी कहानी को जवाब देना इसी वीडियो से, लेकिन इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी थोड़ी देर में, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।